60 वीडियो वालों की बल्ले बल्ले। अभी तक 60 वीडियो में ओनली व्यूज के पैसे मिलते थे, अब क्या होगा 60 वीडियो में भी एड्स चलेंगे और एड्स के पैसे मिलेंगे। अभी तक 60 वीडियो में एड्स नहीं चलता था, लेकिन अब 60 वीडियो में भी एड्स चलेंगे, व्यूज प्लस एड्स दोनों के पैसे मिलेंगे। अभी तक 60 वीडियो ओनली 25-30-45 सेकंड के होते थे, लेकिन अब 60 वीडियो होगा 60 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक का होगा 60 वीडियो, और जिसमें चलेंगे जो वीडियो 1 मिनट से ज्यादा को होगा उसमें चलेंगे एड्स। जैसे लॉन्ग वीडियो में एड्स चलते थे, 1 मिनट से ज्यादा को जो लॉन्ग वीडियो होता था उसमें एड्स चलते थे, वैसे ही अब 60 वीडियो में भी एड्स चलेंगे, क्योंकि अब 60 वीडियो का 3 मिनट का ड्यूरेशन दे दी गई। इस 3 मिनट के ड्यूरेशन में 1 से ज्यादा एड्स चलाया जाएगा, और 60 वीडियो को जहां अभी तक कम अर्निंग हो रही थी 60 वीडियो में, वहां ज्यादा अर्निंग होगी। तो गाइस जब तो हो गई ना 60 वीडियो वालों की बल्ले बल्ले, तो इतना ही सुन के मत चले जाना, नहीं तो फिर आप लोग 60 वीडियो जो न्यू अपडेट्स निकल रहा है 15 अक्टूबर 2024 से, उसका आप लोग बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो इसके बारे में बेनिफिट लेने के लिए आपको वीडियो में एंड तक रहना पड़ेगा, पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे 60 वीडियो अपलोड करना है। इसके अपलोड करने के तौर तरीके भी अलग है, सेम टू सेम नहीं है, इसकी प्रोसेस अलग है। ये जो हम अभी रिमेक्स वीडियो से 60 वीडियो अपलोड करते थे ये अलग है, और जो वो 60 वीडियो हम अलग अपलोड करेंगे उसके कुछ तौर तरीके अलग हैं। गाइज राधे राधे, जय कृष्णा, मैं हूँ निर्मला, निर्मला सिंह माई फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है। आप सभी लोग कैसे मास्क रखते हैं, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। गाइज यूट्यूब ने बहुत बेस्ट अपडेट निकाल दिया है, खास करके 60 वीडियो वालों की। तो अब तो हो गए 60 वीडियो वालों की बल्ले बल्ले, तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोगों को इस वीडियो के इस अपडेट्स के बारे में नहीं पता, उन लोगों को भी पता चले और वो लोग भी अपने चैनल पे सही तरीके से काम करना चालू कर दे। जो अभी तक डीमोटिवेट थे, बैठे थे डीमोटिवेट होकर के, तो अब वो डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेट हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 60 वीडियो जहां 50,000 व्यूज पहुंचते हैं तब जाके 1 मिलियन व्यूज बनता है, और लॉन्ग वीडियो में जहां 50,000 व्यूज पहुंचता है उसमें अच्छी खासी डॉलर बन जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर 60 वीडियो में भी 50-60 हजार व्यूज पहुंचता तो उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि 60 वीडियो में भी अब 3 मिनट का ड्यूरेशन दे दिया है, तो उस 3 मिनट ड्यूरेशन में एड्स भी 1 से ज्यादा देगा, तो अर्निंग भी लॉन्ग वीडियो की जैसे होगी, और वो 60 वीडियो लॉन्ग वीडियो के ही जैसे माना जाएगा। लेकिन हाँ, जो ये 60 वीडियो अभी तक हम ऐसे खड़े मोबाइल से बनाते थे, लेकिन ये 60 वीडियो जो 1 से 3 मिनट तक के लिए बनाया जाएगा, कैसे बनाएगा? खड़ा मोबाइल ना हो के ऐसे पड़ा मोबाइल में बनाना पड़ेगा। और जो ये 60 वीडियो हमारी 1 से 3 मिनट की जो हम बनाएंगे, तो क्या इसमें हमें वॉच टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जी नहीं, इसमें वॉच टाइम नहीं मिलेगा। इसका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया, मोनेटाइजेशन रूल्स वही है जैसे पहले 60 वीडियो को मोनेटाइजेशन करवाने के लिए, अगर 60 वीडियो से कोई मोनेटाइजेशन करवाना चाहता तो उसको फुल मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर, 10 मिलियन व्यूज 90 दिनों के अंदर सिलेक्ट करना पड़ता था, और अगर हाफ मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हो तो 500 सब्सक्राइबर और 3 मिलियन व्यू जब आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होगा। फिर वो चाहे 45 सेकंड वाला 60 वीडियो रहा हो, फिर चाहे वो 3 मिनट वाला 60 वीडियो हो, लेकिन इन दोनों 60 वीडियो के ओनली व्यूज सिलेक्ट होंगे, वॉच टाइम नहीं। और अगर वॉच टाइम से कंप्लीट करवाना चाहते हो, अपना मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हो, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे फुल वॉच टाइम के लिए, फुल मोनेटाइजेशन के लिए, हाफ मोनेटाइजेशन के लिए 500 सब्सक्राइबर और
3000 घंटे की जरूरत होगी। अगर आप लोगों का इतना हो जाएगा तो आप लोगों का हाफ मोनेटाइज हो जाएगा, और 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे अगर आप लोगों का कंप्लीट तो फुल मोनेटाइज। तो मोनेटाइजेशन क्राइटेरियो को लेकर कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ओनली इसके जो परिवर्तन हुआ है वो थोड़ी इसके ड्यूरेशन में परिवर्तन हुआ है। अभी जहाँ तक हम 30 से 35 या 45 सेकंड के हमारे 60 वीडियो होते थे, तो इसमें ये भी होता था कि 60 वीडियो का इम्प्रेशन YouTube वीडियो का इम्प्रेशन बहुत, यानी कि YouTube रिकमेंडेशन में पहुंचाता था 60 फीट से 60 वीडियो का इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो अब जब 1 से 3 मिनट का वीडियो होगा तो कुछ इसमें व्यूज देखने के लिए व्यूज की इंक्रीजिंग कम हो जाएगी, क्योंकि 60 वीडियो को लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वो 25-30-45 सेकंड की होती है तो उसको लोग जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके देख लेते हैं। लेकिन लॉन्ग वीडियो जो होती है उनको बहुत कम ही लोग देखते हैं। लॉन्ग वीडियो वही देखते हैं जो यूनिक होती है। अगर सेम वही होती है तो लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखना चाहते, लॉन्ग वीडियो यूनिक देखते हैं लोग। तो अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो और सोचते हो कि हमारी वीडियो लोग देखे तो यूनिक वीडियो बनाइए। कुछ दिनों के लिए तो व्यूज में डाउनिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन फिर आप लोगों के शॉर्ट वीडियो में जैसे व्यूज आते हैं वैसे ही आएंगे, और बस आप लोगों को एड्स मिलने लग जाएंगे शॉर्ट वीडियो में भी। और इसको 60 वीडियो बनाने का आप सुनिए, जैसे क्या हम 60 वीडियो 35-45 सेकंड में रिमिक्स साउंड यूज कर लेते हैं, क्या उसमें भी हम रिमिक्स साउंड यूज करेंगे? नहीं। अगर उसमें हम उस 60 वीडियो में 1 से लेकर 3 मिनट की 60 वीडियो में अगर हम लोग म्यूजिक ऐड करेंगे तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आएगा। क्या कॉपीराइट क्लेम आएगा? ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि आप लोगों के चैनल में कोई स्ट्राइक लगा देगा या कोई कुछ कर देगा। इसमें कॉपीराइट क्लेम आएगा, जिससे कॉपीराइट क्लेम आने से अपना चैनल डाउन हो जाता है, वीडियो में व्यूज आना कम हो जाते हैं, वीडियो चैनल फ्रीज हो जाता है कुछ दिनों के लिए जब कॉपीराइट क्लेम आता है। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 3 मिनट तक की वीडियो में म्यूजिक ऐड करोगे यूट्यूब से या फिर अदर ऐप से एडिट करके ऐड करोगे तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आना ही आना है। और अगर आप लोग कहीं जा रहे हो वहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, तो वैसे में कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। जैसे आप लोगों का वीडियो पहले होता था वैसे ही होगा। बस आप जो 1 से लेकर 3 मिनट के वीडियो होंगे वो 60 फीट में माने जाएंगे। लेकिन हाँ, सारे वीडियो जो 1 से लेकर 3 मिनट के होंगे वो 60 वीडियो में नहीं माने जाएंगे। ओनली जो बनाने के तरीके से, अगर हम अभी तक 1 से लेकर 3 मिनट का वीडियो बड़े मोबाइल में बनाया जाता था ऐसे मोबाइल में, और 60 वीडियो 30-35 सेकंड का वीडियो ऐसे जब खड़े मोबाइल में बनाते थे वो 60 फीट में आता था, जो ऐसे पड़े मोबाइल में बनाते थे वो यानी कि वो भी वो लॉन्ग फीड में आता था। लेकिन अब आपको शॉर्ट फीड जो 1 से लेकर 3 मिनट का आप लोग वीडियो बनाओगे शॉर्ट वीडियो, वो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ऐसे ही बनाओगे, ऐसे नहीं बनाओगे। अगर बेड़ा बनाओगे ऐसे करके मोबाइल ऐसे करके आप लोग बनाओगे 1 से 3 मिनट 4 मिनट का रहेगा तो वो आपका लॉन्ग वीडियो में आएगा। और अगर 1 से लेकर 3 मिनट का वीडियो आप खड़े मोबाइल में ऐसे बनाओगे तो 60 फीट में जाएगा। तो बस आप लोग मतलब मोबाइल का चेंजिंग हुआ, अगर आप लोग बड़े मोबाइल में बनाओगे तो आपका लॉन्ग वीडियो में जाएगा, अगर खड़े मोबाइल में आप 1 से लेकर 3 मिनट की वीडियो बनाओगे तो आपका शॉर्ट फीड में जाएगा। उसका इम्प्रेशन ज़्यादा यूट्यूब रिकमेंडेशन में पहुंचाएगा, उसमें व्यूज ज़्यादा आएंगे, अर्निंग बहुत अच्छी होगी। जहां पहले 60 वीडियो में अर्निंग नहीं होती थी अब अर्निंग अच्छी होगी। और इसको बनाने के लिए आप लोग जहाँ से वीडियो एडिट करते हो VN ऐप या फिर और किसी ऐप में, तो वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ से आप अपने शॉर्ट वीडियो को एडिट कर सकते हैं कि आप कितने मिनट की वीडियो कैसे इसको
बनाना चाहते हैं, खड़े मोबाइल का रोल देना चाहते हैं, चौकोर रोल देना चाहते हैं, या फिर लंबा साइड का रोल देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। तो अगर आप लोग VN ऐप से वीडियो एडिट करते हो तो VN ऐप में भी दिखाता है, जिस भी ऐप से वीडियो आप लोग एडिट करते हो तो उसी ऐप से दिखाता है। तो अब तो हो गई शार्ट। हाँ, इन दोनों शार्ट वीडियो को अपलोड करने के तरीके भी अलग होंगे। अगर आप लोग सोचो कि जहाँ से हम शार्ट वीडियो, मतलब 30-35 सेकंड का वीडियो रिमिक्स वीडियो से शार्ट फिर से अपना अपलोड करते हैं, वहीं से हम अपना ये वाला 1 से 3 मिनट तक का शार्ट वीडियो अपलोड कर दें, तो वहाँ से आप लोगों का 1 से 3 मिनट तक का शार्ट वीडियो नहीं अपलोड होगा। आपको इसको अपलोड करने के लिए YT स्टूडियो या फिर फॉर्म में जाना पड़ेगा, और जो 30 से 35 सेकंड का आपका शार्ट वीडियो होता है, आपका 30 से 35 सेकंड वाला शार्ट वीडियो वहीं से शार्ट फीड से ही अपलोड होगा। और रिमिक्स म्यूजिक साउंड इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं, और जो 1 से 3 मिनट का शार्ट वीडियो होता है उसमें आप लोग रिमिक्स म्यूजिक साउंड नहीं यूज कर पाओगे, और ना ही शार्ट फीड वाले ऑप्शन से आप लोग इसको अपलोड कर पाओगे। शार्ट फीड वाले ऑप्शन से ओनली 30 से 35 सेकंड का वीडियो ही अपलोड होगा, और 60 सेकंड का वीडियो आपको वीडियोज अपलोड ऑप्शन या तो फिर YT स्टूडियो क्रोम से अपलोड करोगे जब ही होगा। और अगर इसमें आप लोग म्यूजिक ऐड करोगे 1 से 2 मिनट वाले वीडियो में शार्ट फीड के म्यूजिक ऐड करोगे किसी तरह एडिट करके, तो इसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और जब आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है आप लोगों को अपना चैनल मोनेटाइजेशन करवाने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्ट्राइक भले ही नहीं लोग लगाएं, ना ही कम्युनिटी स्ट्राइक ना ही कोई स्ट्राइक लगाए, लेकिन जब वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आता है तो भी चैनल मोनेटाइजेशन करवाने में काफ़ी दिक्कत परेशानी होती, काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो अगर आप लोग अपना चैनल सोचते हो कि हमारे शार्ट फीड से हमारी वीडियो हम अपलोड करें, तो शार्ट फीड से आपकी शार्ट वीडियो 30 से 35 सेकंड वाली आप वहां से अपलोड करोगे तो होगा, और अगर 1 से 3 मिनट तक की शार्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो आपको शार्ट वीडियोज या YT स्टूडियो या क्रोम से ही अपलोड करना पड़ेगा। जब आप लोग वहां से अपलोड करोगे तभी अपलोड होगा, और हाँ, आप लोग 1 से 3 मिनट वाली वीडियो में शार्ट वीडियो में आप लोग वहां पे म्यूजिक नहीं ऐड कर सकते हो। आप कुछ वहां पे यूनिक दिखा सकते हो लेकिन म्यूजिक नहीं ऐड कर सकते हो। म्यूजिक ऐड करोगे तो कॉपीराइट क्लेम आना ही आना है। तो गाइज, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।